अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को तलफ़ुज़ ठीक करने वाली, तलफ़ुज़ दुरुस्त करने वाली बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उस बुक को पढ़कर आप किस तरह से अपने तलफ़ुज़ जो हैं उर्दू में जो बोलते हैं हम, जो तलफ़ुज़ जैसे अल्फाज होते हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बुक इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। चलते हैं स्क्रीन पे और बुक का डेमो देखते हैं और इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। चलिए पहले स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो ये जो सामने नज़र आ रहा है ये बुक का टाइटल है, तलफ़ुज़ दुरुस्त कीजिए, मुफ्ती मोहम्मद अकमल अता मदनी इसके राइटर हैं। तो यहाँ पे एक और लिखा रहा है तलफ़ुज़ दुरुस्त कीजिए, ये सारा उन्होंने अपने जो इंट्रोडक्शन है वो भी दिया हुआ है, इसमें बुक के बारे में भी बताया है उन्होंने, यहाँ पे काफ़ी दो तीन पेजेस में बताया है उन्होंने। अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत दोस्तों को ये भी मसला आ रहा होता है कि वो तलफ़ुज़ जो है वो सही नहीं बोल पा रहे होते, मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि सीख लूँ, लेकिन हम भी गलतियाँ बहुत करते हैं, इंसान है, लेकिन इस गलती को सुधारना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे उर्दू का भी इंट्रोडक्शन कराया है कि इसमें बहुत सारी ज़बानों का मिक्सअप है। उसके बाद यहाँ पे तलफ़ुज़ दुरुस्त करने का तरीका है, ये अपनी लाजमी पढ़ना है। यहाँ पे चार पांच इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने। तो उसके बाद यहाँ पे मेन यहाँ से शुरू होता है, मेन मतलब 13 पेज से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो पहला लफ्ज़ आ रहा है वो आतिश, आतिश जो ऊपर जो एडिंग है वो पहले वो पढ़ लेते हैं। गलत दुरुस्त मानी जिन्स लुगत, ठीक है, आतिश हम पढ़ते हैं आतिश, आतिश फिशाम, लेकिन वो असल में होता है आतश फिशाम, आग, आतश आग को कहते हैं। तो इस तरह आप अपने तलफ़ुज़ को जो है वो ठीक कर सकते हैं। आखरत, आखिरत होता है वो असल में, वो आलम जहाँ मरने के बाद इंसान की रूह जाएगी, ठीक है। ये सारे मायने भी दिए हैं उन्होंने, जिन्स भी दिए हैं, लुगत भी दिए हुए हैं। यहाँ पे एक आसिफ हम बोलते हैं अक्सर, आसिफ, आसिफ नहीं होता बल्कि वो आसिफ होता है, आसिफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर का नाम। आमादगी, आमादगी हम अक्सर बोल रहे होते हैं आमादगी, लेकिन वो होता है आमादगी, रजामंदी। तो ये बहुत से अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं। अगर मैं आप दोस्तों को चेक कराऊं, यहाँ पे तकरीबन 113 पेजेस हैं, 113 पेजेस में बहुत सारे अल्फाज हैं, तकरीबन आधी सी उर्दू इसमें कवर हो जाती है, आधी से ज़्यादा। यानी मैंने वो अल्फाज डाले हैं जो मुश्किल हैं, जो पढ़ने में यानी कि तलफ़ुज़ सही नहीं आ रहे होते। तो मैं आप दोस्तों के एंड पे बताता चलूँ कि अगर आप दोस्तों को ये बुक चाहिए हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं उसी टाइम इंशाल्लाह आप दोस्तों को फ़ौरन सेंड करूँगा। मेरा मकसद ये होता है कि आप दोस्त कहीं लिंक पे क्लिक ना करें ना, उसी टाइम आपको बुक प्रोवाइड की जाए। लिंक पे से कभी लिंक काम कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता। व्हाट्सएप पर मैं तकरीबन ऑनलाइन रहता हूँ, उसी टाइम दोस्तों को शेयर करता हूँ। तो पहले भी मेरी एक बुक है उस पर बहुत सारे व्यूवर्स मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको उसी टाइम प्रोवाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छी दुआएं दी। मैं कहता हूँ ये भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ ताकि उनका जो तलफ़ होता है वो अपने तलफ़ को दुरुस्त करें। तो अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।